हमीरपुर में तापमान में भारी वृद्धि होने से लोगों को बेतहाशा गर्मी से जूझना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से सूर्यदेव की गर्मी को झेलना मुश्किल बन रहा है और तापमान 40 के करीब पहुंच गया है, जिससे लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो बाजार में गन्ने के जूस कॉर्नर में भी बहुत कम लोगों की आमद हो रही है। बाजार में ग्राहकों के नहीं पहुंचने के चलते बाजार सूने पड़े हुए हैं। पहले लॉकडाउन में बाजार खाली थे और अब अनलॉक होने के बाद बेतहाशा गर्मी होने के कारण बाजार सूने पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी बहुत बढ़ जाने से परेशानी हो रही है और घरों से बाहर निकलना भी दूभर बन रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से तापमान में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। जूस कॉर्नर के मालिक ने बताया कि गर्मी ज्यादा होने के बावजूद भी काम नहीं है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले लॉकडाउन में दुकानें बंद थी और अब गर्मी होने से जूस कॉर्नर खाली पड़े हैं। तो बसें नहीं चली है ना अभी, बस गवर्नमेंट की बसें चली हैं अभी तक, वो भी 60% बोल रहे हैं, कभी 100% बोल रहे हैं, उस हिसाब से नहीं है ना। अभी अभी तो प्राइवेट चली नहीं है, बस प्राइवेट चलेंगी फिर थोड़ा काम बढ़ेगा, वैसे गर्मी के हिसाब से कुछ काम नहीं है, जीरो काम। जितना सीजन पहले की गर्मी में होता था उतना सीजन अब नहीं है, कोरोना की वजह से काम बहुत कम हो गया है। पहले जो था गर्मी में भीड़ लगी रहती थी दुकानों में, अब 10% 15% काम बचा हुआ है। इस बार तो काम तो मीडियम चला हुआ है, जो लॉकडाउन की वजह से काम है, कामकाज पर जो बड़ा बड़ी असर हुआ है, जो पहले सीजन होता था गर्मी का वो इस बार तो बिल्कुल ठप हो चुका है सीजन, तो इस बार दिक्कत है। तो चलो ये महामारी ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद तो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ।